Subscribe to Hunstack channel and hit on bell icon to see latest technology videos. Hey guys, welcome to Hunstack. इस वीडियो में आज हम बात करेंगे Redmi Note 5 Pro की फ्लैश सेल के बारे में। मैं आपको बता दें कि जो Redmi Note 5 Pro की फ्लैश सेल है उसमें अगर कोई भी यूजर बुक करने की कोशिश करता है तो जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, बट इस वीक आप आसानी से Redmi Note 5 Pro बुक कर सकते हैं। मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगा जिसकी मदद से आप इस वीक आसानी से Redmi Note 5 Pro बुक कर सकते हैं, तो आप मेरी वीडियो एंड तक जरूर देखें। सो गाइस, इस वीक Redmi Note 5 Pro की तीन फ्लैश सेल होगी जो 4th अप्रैल, 5th अप्रैल और 6th अप्रैल को होगी, यानी कि आपको हफ्ते में तीन सेल देखने को मिलेगी इस वीक। तो आपके जो चांसेस हो गए Redmi Note 5 Pro बुक करने के वो काफी ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि हफ्ते में तीन फ्लैश सेल होगी जिसकी मदद से आपके जो चांसेस है Redmi Note 5 Pro बुक करने के ज्यादा हो सकते हैं। सो गाइज, मैं आपको बता दूं कि जो 4th अप्रैल को सेल होगी वो फ्लिपकार्ट पर होगी, और जो 5th अप्रैल को सेल होगी वो meet.com पर होगी, और जो 6th अप्रैल को सेल होगी वो फ्लिपकार्ट पर ही होगी। यानी कि जो 4th अप्रैल को सेल होगी वो flipkart.com पर होगी 12 बजे, और 5th अप्रैल को जो सेल होगी वो meet.com पर होगी 12 बजे, और जो 6th अप्रैल को होगी सेल फ्लिपकार्ट पर वो भी 12 बजे ही होगी। यानी कि आपको जो तीनों सेलों की टाइमिंग है वो दोपहर 12 बजे आपको मिलेगी। तो गाइस, जो वन वीक में सेल होती है फ्लैश सेल उसमें जो आपके चांसेस होते हैं वो कम होते हैं, बट इस बार जो शोमी की फ्लैश सेल है वो हफ्ते में तीन बार आने वाली है, यानी कि कल आपको एक सेल देखने को मिलेगी, एक परसों और एक 6th अप्रैल को। तो आपके जो चांसेस होंगे Redmi Note 5 Pro बुक करने के वो और बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। सो गाइस, इस बार अपना लक ट्राई कीजिए, आपको Redmi Note 5 Pro जरूर मिल जाएगा। तो गाइस, थैंक्स मेरी वीडियो देखने के लिए। मैंने आपसे छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो गाइस, थैंक्स मेरी देखने के लिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आता रहूं। थैंक यू।